ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले माधव की है। घर में घुसो और साक्षात राम जी। अरे भाई, घर में खाना काहे नहीं है? घर में अनाज खाएंगे, कुछ बनेगा? कितना नमक दे रहे? कितना बढ़िया तो टेलर देख रहे थे, मोहना पिक्चर ये बंद कर दिया। तो हर मौगी के हम पिक्चर देखे हुए हैं, वो तीन तीन बार। माधु की कहानी भी हर आशिक की तरह है। इस मजनू के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और चले हैं इश्क लड़ाने। मुंह देखा है नीच कहीं का? भगवान बुलरिया देवी की आत्मा को शांति दे। बाबू जी, हमको कोर्ट खरीदना, उसके लिए पैसा चाहिए। दिल्ली जाइए चुपचाप, वहाँ जाके रिक्शा चलाइए, पैसा कमाइए अभी। रिक्शा चलाने से तो सवारी बैठती नहीं, जब पता चलता है कि हम छोटी जात के हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम सब अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे। हमको कोर्ट खरीदना है, इसलिए बिजनेस कर रहे हैं हम। कहाँ का बना हुआ है? पटना का बना है। नहीं चाहिए। कहाँ का लोगे? अमरीका का चाहिए हमें। लाख रुपया लाओ, मंगवा देते। लगता है कोनो आत्मा पकड़ लिया है बाबा। अलग डिमांड करता है, बोलता है कोट दो, कोट पहनने वाला, कोट। कोट मांग रहा है? हाँ कोट। देख बेटा, तू जात का नीच है, अब का सारी दुनिया के नाचेगा अपना जात वाला से अनाज छुआ के। साला, हमारे देश के नेता लोग कहते हैं जातिवाद खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, सब एक समान है। साक्षी हर दिन मंदिर में अंदर दिया जलाने जाती है और हम यहीं बैठे रहते हैं। काहे कि हम छोटे जाते हैं। चलो, थोड़ा और पैसा जमा हो जाएगा ना तो हम ही कोर्ट खरीद देंगे। कोर्ट? हाँ। अगे मैया, गे मैया, जब से बैठा ले नहीं यहाँ, हमको लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे तो हम कपड़ा कहाँ मांग रहे हैं? हम कोट मांग रहे हैं ना, वो ही पूरा फुल हमरे लिए। अरे तो अपना खानदान में कोई नया कपड़ा पहना है रे पगला। अरे तो हम नया कपड़ा कहाँ पूछ रहे हैं? हम कोट मांग रहे हैं ना।